हेलो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको फिर से एक और नई जान का डोरमेट बताने वाली हूँ, जिसके लिए यहाँ पे मैंने दो कलर लिए हैं और मैंने ये पुरानी साड़ी और चुन्नी ली हुई है। एक एक इंची की दूरी पे मैंने इसको पतला पतला कट कर लिया है। तो इसी से मैं आपको बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सुंदर सा डोरमेट बताऊँगी, जो बनाने में बिल्कुल ईजी है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ ये प्यारा सा हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फंदे डालेंगे। तो फंदे देखिए इस तरह से हमने डालने हैं। ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे फंदे ले लेती हूँ। अगर आप इसे वूल से बनाना चाहते हैं तो वूल से भी आप बना सकते हैं। हम इसे साड़ियों से बना रहे हैं, ये देखिए। तो चलिए मैं यहाँ पे फंदे डाल लेती हूँ, इसके आगे आपको फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 16 फंदे डाल लिए हैं। यहाँ पे मैंने 16 फंदे डाल लिए हैं और 16 फंदे के मैं आधे फंदे और डालूंगी, यानी कि मुझे यहाँ पे 8 फंदे और डाल लेने हैं। ये मैंने 16 फंदे पत्ती के लिए रख लिए हैं और इसके आधे फंदे मैं यहाँ पे और डाल लेती हूँ, यानी कि 8 फंदे मैं और यहाँ पे डाल लेती हूँ इस तरह से। ये देखिए तो टोटल यहाँ पे 24 फंदे हो जाएंगे, ये देखिए इस तरह से। तो चलिए मैं 8 फंदे और डाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 24 फंदे हो चुके हैं। 16 फंदे मैंने पत्ती के लिए रख लिए हैं और 8 फंदे मैंने और भी इसमें डाल लिए हैं। आपको जितना बड़ा चाहिए आप अपने हिसाब से यहाँ पे पत्ती के लिए फंदे रख सकते हैं, उसके आधे फंदे आप आगे की तरफ डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 16 फंदे पत्ती के लिए रखे हैं, 8 फंदे मैंने और डाल लिए हैं। तो यहीं से मैं आपको इसको बताऊंगी। अगर आप इससे भी बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ज़्यादा फंदे इसी तरह से आप ले लें, जिस तरह से मैंने आपको ये बताए हैं। और आप किसी में भी वूल में या आप इसे पुरानी चुन्नी और साड़ी से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम पुरानी साड़ी से बना रहे हैं इसको। तो यहाँ पे एक सिलाई हम इसी तरह से इसको बना लेते हैं। सबसे पहले टोटल 24 फंदे यहाँ पे हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं एक सिलाई बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक सिलाई अपनी बना ली है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए एक फंदा हम यहाँ पे कम करेंगे, जो 8 फंदे मैंने डाले हैं। ये देखिए एक फंदा हमने कम कर दिया है और लास्ट के हम दो फंदा अपना छोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम अपना दूसरा धागा लगा लेते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो लास्ट का हम यहाँ पे दो फंदा छोड़ेंगे। एक फंदा मैंने यहाँ पे घटा दिया है और लास्ट के मैं दो फंदे अपना छोड़ लूंगी। बड़ा छोटा अपने हिसाब से बना सकते हैं, बनाने का तरीका सेम रहेगा, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं उसी तरह से। तो लास्ट के मैं यहाँ पे दो फंदा अपना छोड़ दूंगी, ये देखिए इस तरह से। ये दो फंदे मैंने छोड़ दिए, यहीं से मैं अपना टर्न कर लूंगी और यहाँ पे हम इस सिलाई को इस तरह से बना लेते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम दूसरी सिलाई पे आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर से हम अपना दूसरा फंदा घटा देते हैं और लास्ट के दो फंदे हम छोड़ देते हैं। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे जो 16 फंदे डाले हैं वो हम दो दो करके छोड़ेंगे और जो 8 फंदे मैंने इसमें आगे की तरफ ये डाले थे वो हम इसी तरह से घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम दो दो करके 16 फंदे छोड़ लेते हैं और 8 फंदे अपना कम कर देते हैं। ये देखिए मैंने फिर से दो फंदे छोड़ दिए और यहीं से अपना टर्न कर लूँगी। तो चलिए मैं इसको बनाती हूँ। 16 फंदे छोड़ लेती हूँ और 8 फंदे घटा लेती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपना 8 फंदा घटा दिया है और यहाँ पे मैंने 16 फंदे अपने छोड़ दिए हैं। ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 फंदे मैंने अपना एक एक करके छोड़ दिए हैं और 8 फंदे मैंने घटा लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखिए, तब भी आपने धागा लगाना है तो आप इसको इस तरह से ही धागे को जॉइंट कर लेंगे। देखिए, तो इससे आपका क्या है, डोरमैट बिल्कुल नहीं खुलेगा। तो यहाँ पे मैंने जो फंदे छोड़े हैं सभी को हम बना लेंगे, सभी को मैं बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, जो फंदे मैंने छोड़े हैं वो सभी को मैं बना रही हूँ और लास्ट का फंदा मैं नहीं बनाऊंगी। ये देखिए, लास्ट का फंदा यहीं पे छोड़ देती हूँ, लास्ट का फंदा नहीं बनाना है और ये उल्टी सिलाई को भी इसी तरह से बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने जो 16 फंदे दो दो करके छोड़े थे मैंने सभी को बना लिया है। इसके बाद हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए, फिर से हम अपना सिलाई पे चढ़ाते हुए 8 फंदों को इस तरह से बढ़ाएंगे और लास्ट के फिर से दो दो फंदे छोड़ेंगे। ये हमारा डोरमेट बटरफ्लाई की तरह इस तरह से इसका लुक आएगा। ये देखिए, तो बनाने में तो बिल्कुल ही इजी है, बिगनर्स भी आराम से इसको बना सकते हैं। तो अब 8 फंदे मैं बढ़ाऊंगी और लास्ट के दो दो फंदे छोड़ूंगी, यानी कि 16 फंदे फिर से छोड़ने हैं। ये लास्ट का फंदा मैंने नहीं बुना था, दो फंदे मैंने छोड़ दिए हैं और यहीं से अपना वापस हो जाते हैं। जितना बड़ा बनाना चाहें आप उसी तरह से, जिस तरह से मैंने आपको ये बताया है, बड़ा छोटा अपने हिसाब से इसको आप बना सकते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पे 8 फंदे सिलाई पे चढ़ाते हुए बढ़ा लेती हूँ। तो यहाँ पे 6 पत्तियाँ बनेंगी और 6 पत्तियों में आप इसे अलग अलग कलर लगा के भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम दो कलर में ही आपको बता रहे हैं। ये देखिए, अब क्या करेंगे, फिर से हम ये देखिए इस तरह से ही सिलाई पे चढ़ाते हुए दूसरा फंदा हम बढ़ा रहे हैं, लास्ट के दो फंदे छोड़ेंगे। तो चलिए, मैं यहाँ पे 16 फंदे दो दो करके छोड़ लेती हूँ और 8 फंदे अपना बढ़ा लेती हूँ, इसके आगे आपको फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 16 फंदे अपने दो दो करके फिर से मैंने छोड़ दिए और 8 फंदे मैंने यहाँ पे बढ़ा लिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम अब अपना जो फंदे मैंने छोड़े हुए हैं सभी को और ये 8 फंदे भी मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। ये देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब यहाँ पे हम ये जो दो दो करके फंदे छोड़े वो भी हम इसी तरह से इनको बना लेते हैं। ये देखिए, और लास्ट वाला फंदा हम बिगर बुना फिर से छोड़ेंगे। अब यहाँ पे हम अपना कलर चेंज करेंगे। अगर आपने एक कलर में भी बनाना है तो आप इसे एक कलर से भी बना सकते हैं। ये देखिए, 16 फंदे भी मैंने यहाँ पे ये देखिए बना लिए हैं इस तरह से। ये देखिए, सभी फंदों को मैंने बना लिया है इस तरह से, ये हमारा बनके कंप्लीट हुआ है। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना दूसरा कलर लगा देते हैं। ये देखिए, जो भी कलर आपके पसंद है वो आप यूज कर सकते हैं इसमें।
तो मैंने यहाँ पे दूसरा कलर भी अपना लगा दिया है। अब हम 8 फंदे फिर से हम घटाएंगे और दो दो करके 16 फंदे छोड़ देंगे। इस तरह से ये हमारा डोरमेट यहाँ पे कंप्लीट होगा पूरा। तो ये मैं यहाँ पे इस कलर को लगा देती हूँ, इसके आगे फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए इस तरह से इसका लुक आएगा बटरफ्लाई की, जैसे जिस तरह से बटरफ्लाई होती है उसी तरह से। अब हम क्या करेंगे, फिर से हमने जिस तरह से ये नीचे शुरुआत की है उसी तरह से यहाँ पे हम बनाएंगे। तो यहाँ पे टोटल 24 फंदे हैं, अब 8 फंदे हम घटाएंगे, दो दो करके हम 16 फंदे छोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से, तो पूरा डोरमेट हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। बनाने में बिल्कुल ईजी है, तो चलिए इसको हम इसी तरह से बना के पूरा अपना कंप्लीट करते हैं और इसके आगे आपको फिर दिखाएंगे। ये देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है और बनाने में तो बिल्कुल ही ईजी है। और इस तरह की आप ये पत्तियाँ रंग बिरंगी भी आप इसमें 6 कलर लगा के भी आप बना सकते हैं इस तरह से। ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलिए मैं इसको बना लेती हूँ, इसके आगे आपको फिर दिखाती हूँ।